देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में एक लंबे समय के बाद युवाओं का इंतजार खत्म हुआ है और अब सेना की तरफ से देश में भर्तियां शुरू की जाएंगी। बताया जा रहा है कि आने वाले 4 साल में देश की तीनों सेनाओं में ये भर्तियां होने वाली हैं और इनकी संख्या करीब 45,000 से 46,000 तक हो सकती है। लेकिन इन भर्तियों का अब जो प्रारूप है वो बदल दिया गया है, इनका जो चेहरा है वो बदल दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस नए चेहरे की ये आर्मी या फिर थल सेना या वायु सेना या जल सेना, जितनी भी सेनाएं हैं, इनमें एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा रहेगी और इस ऊर्जा को और बेहतर करने के लिए एक नया नियम बनाया गया है। नियम यह है कि अब इन सेनाओं में जो भर्तियां होंगी वो महज 4 साल के लिए होंगी। कल केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। बैठक होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया और उस प्रेजेंटेशन पर पहले ही हामी भर दी गई थी और उसके बाद इस प्रेजेंटेशन पर कल आखिरी मोहर लगाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि अब आने वाले दिनों में जो आर्म्ड फोर्सेस में भर्तियां होने वाली हैं वो 4 साल के लिए की जाएंगी। मतलब कोई भी युवा जो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक की उम्र का है, जिसने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास की है, उनको अब सेना में काम करना या सेना में नौकरी देने का जो रास्ता है वो साफ तो हो गया है, लेकिन इस रास्ते को बहुत लंबा खींचा नहीं जाएगा। ये रास्ता सिर्फ 4 साल का ही होगा। इस 4 साल के कार्यकाल में उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और इसके बाद 3.5 साल उनसे आर्मी या फिर जिस भी सेना में वो अपनी सेवा दे रहा होगा वहां पर उसे उसका मेहनताना भी दिया जाएगा और मेहनताने के साथ साथ जो भी सर्विसेज उसको दी जा सकती हैं वो दी जाएंगी। लेकिन अब सवाल यहां पर कई सारे खड़े हो गए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है और इस विपक्ष लगातार सरकार से ये कह रहा है कि आखिर इस नियम को बनाने के बाद जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका फेस, उनका चेहरा कितना बदल जाएगा, ये आर्म्ड फोर्सेस और कितनी ताकतवर होंगी या फिर इस नए प्रारूप को लागू करने में या लागू कराने में क्या वो तकनीक है या क्या वो चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था और उसका नतीजा क्या निकलेगा। हालांकि कोई भी फैसला जब लिया जाता है तो उस फैसले का जब तक सही तरीके से जमीन पर क्रियान्वयन ना हो जाए तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि वो सक्सेस है या फिर अनसक्सेस है। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि ये जो फैसला लिया गया है ये कई सारे देशों के प्रारूपों को इकट्ठा करने के बाद, चर्चा विचार विमर्श करने के बाद इस पर यह फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में जो भर्तियां इन सेनाओं में करी जाएंगी वो महज 4 साल के लिए की जाएंगी। उनकी आयु भी निर्धारित की गई है और ये भी बताया गया है कि इनको किस तरह से जो इनका मेहनताना है वो दिया जाएगा। दरअसल इनकी जो सैलरी होगी, जो तनख्वाह होगी, वो शुरुआत 30,000 से लेकर के उनके आखिरी समय 40,000 तक की जाएगी 4 सालों में। और इसमें से उनको जो उनका पीएफ या फिर जिस तरह से जो अलाउंस है वो बोला जा सकता है कि वो भी कटेगा और वो उसकी उसको बताया जा रहा है कि करीब 9,000 रुपये वो काटा जाएगा। उसका जो 9,000 रुपये कट रहा है उसमें सरकार की तरफ से भी 9,000 रुपये जोड़े जाएंगे और उसके बाद जब 4 साल की सर्विस वो अपनी पूरी कर चुका होगा तो सरकार के और उसके खुद के पैसे मिला करके जो मुश्त रकम बनती है वो करीब 11,00,000 रुपये बनती है और वो उस कर्मचारी को दी जाएगी। यानी 25 से 26 साल की उम्र में या फिर 17 साल में या 17.5 साल में अगर कोई भर्ती हो रहा है तो 22 से 23 साल की उम्र में अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसे 11,00,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा, जिसमें आधा पैसा उसकी तनख्वाह का होगा, आधा पैसा सरकार का होगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि अगर अपनी सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो सरकार के नियम के तहत 1,00,00,000 रुपया उसके परिवार को दिया जाएगा और इसके अलावा जिस तरह से उसकी जो सैलरी चल रही थी वो उसी तरह से 4 सालों तक चलेगी और उसका जो सैलरी के बाद या फिर 4 साल पूरे होने के बाद जो 11,00,000 रुपया बनता है वो भी उसके परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा करीब 45 से 46 लाख रुपया अगर वो किसी
गंभीर समस्या से जूझते वक्त या गंभीर जो गंभीर लड़ाई में वो घायल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा डिसेबल हो जाता है, तो उस दौरान उसको जो इंश्योरेंस के नाम पर सबसे ज्यादा 46 लाख रुपए तक की जो सहायता है वो आर्म फोर्सेस की तरफ से और सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सारे जो नियम है ये बनाए गए हैं और ये भी बताया गया है कि ये जो भर्तियां की जाएंगी इसमें किसी भी तरह से कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये 4 साल के लिए ही रहेंगी। और इसके साथ इसमें जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो फिजिकल का हो गया हो या फिर जो मापदंड होते हैं, वो सारे उसी तरह से रहेंगे जो पहले रेगुलर भर्ती के आधार पर होते थे। मतलब सारे नियम कानून जो हैं वो रेगुलर भर्ती के ही होंगे, लेकिन नौकरी जो होगी वो सिर्फ 4 साल की होगी। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर कोई 23-24 साल में या 25-26 साल में रिटायर हो रहा है तो रिटायर होने के बाद वो आगे का रास्ता क्या तलाशेगा, वो आगे कहां जाएगा, क्या करेगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को या फिर ऐसे लोगों को जो अपनी सेवाएं देकर के सेना से वापस आएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में। लेकिन प्राथमिकता किस आधार पर दी जाएगी और प्राथमिकता कैसे दी जाएगी इसके बारे में अभी तक कोई प्रारूप नहीं बना है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को स्टडी और सैन्य बलों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेगा वो हाई स्कूल या इंटर पास होगा और वो जो 3 साल या 4 साल की अपनी नौकरी करेगा उस दौरान वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो 11 लाख रुपए उसे मिल रहे हैं उसके आधार पर जब वो अपनी नौकरी खत्म कर रहा है, रिटायर हो रहा है, उसके बाद वो अपना कोई एक बिजनेस भी सेटअप कर सकता है उस 11 लाख की मदद से। तो रास्ते तो कई सारे बताए गए हैं कि अगर रिटायरमेंट के बाद उसे कोई रास्ता या कोई भी प्राथमिकता सरकारी विभागों में नहीं मिल रही है तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर के अपने काम को कर सकता है। लेकिन 4 साल की नौकरी कितना सही है, इस नियम को बनाने के पीछे क्या मकसद रहा है और इस मकसद पर किस तरह से काम किया गया था, किस तरह से इस मकसद को और बेहतर किया जाएगा, ये सवाल कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन के साथ साथ उनके परिवारजनों के मन में भी हैं जो एक लंबे समय से अपनी भर्तियों की तैयारी अपने बच्चों से करवा रहे थे और वो बच्चे तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा बीते दिनों कुछ बच्चों ने अपना फिजिकल रिटर्न ये भी पास किया हुआ है सेना की भर्तियों में और अब सैन्य बलों के अधिकारियों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो जो उन्होंने फिजिकल और रिटर्न पास किया गया था वो सब अब खत्म है, अब अगर उन्हें सेना में भर्ती होना है तो इसी नियम के तहत, मतलब आज से ही वो नियम लागू हो गया है, इसी नियम के तहत इन भर्तियों के आधार पर ही उसे चयनित किया जाएगा और आने वाले 90 दिनों में इसकी जो प्रक्रिया है वो भी लगभग शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से रास्ता बना दिया गया है, रास्ता साफ कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि अब 4 साल के लिए ही सेना में भर्तियां होंगी, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन रिटायर होने के बाद वो क्या करेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती। तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ज़मीन पर नहीं आती, मेरे को, मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। कमाल है केंद्र सरकार की बेरोजगार योजना, 4 साल के लिए वो सेना में जवानों को भर्ती करेंगे, मतलब किशोर अवस्था में भर्ती और 4 साल के बाद भरी जवानी में उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो रिटायरों के आएंगे 4 साल बाद युवा, उनको हम अपने यहाँ नौकरी में प्राथमिकता देंगे, माने प्राथमिकता उनको यहाँ पे मिलेगी, रोजगार मिलने की गारंटी नहीं है, मतलब युवा बेरोजगार का बेरोजगारी रह जाएगा। देखिए भाजपा सरकार पूरी तरीके से तमाशेबाज सरकार बन चुकी है, कभी कभी कुछ न कुछ हर बार नया तमाशा आता है। 2 करोड़ नौकरियों की बात भी कही थी, 15 लाख रुपए की भी बात कही थी, उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियों की बात कही थी, नौकरियां तो नहीं मिली, नौजवान तो बेरोजगार है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सेना के नाम पर जो 4 साल की बात हो रही है ये सीधे तौर पर नौजवानों को धोखा है, उनको चिढ़ाने वाला निर्णय है। एक नौजवान 4 साल की नौकरी के बाद जब वो 21 साल का होगा, जिस समय उसको जरूरत होगी कि नौकरी और आगे बढ़े, क्या करेगा उस समय? गंभीर है कि जो हमारी नेवी है, जो हमारी आर्मी है और जो हमारी एयरफोर्स है,
इन तीनों ही फोर्सेस में अब जो भर्तियां होंगी वो सिर्फ 4 साल के लिए होंगी, और 4 साल के बाद जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक नियम ये भी है कि आर्मी की तरफ से या फिर जो नेवी है उसकी तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से 25% अभ्यर्थियों को एक मौका और दिया जाएगा कि अगर वो अपनी सेवा को आगे और बढ़ाना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं तो उसके भी रास्ते खोले जाएंगे। लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होगी, चयन की प्रक्रिया होगी, पूरा एक प्रोसेस होगा और उसके आधार पर उन 25% अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। मतलब वहां पर भी एक परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद वो आगे जाएगा। तो सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि पहले 6 महीना वो अपनी ट्रेनिंग का बिताएगा, 3.5 साल की नौकरी रहेगी, 3 साल जब वो पूरे कर लेगा तो उसके बाद जो 6 महीने बचेंगे तो उस 6 महीने में उसके दिमाग में कई सारे सवाल उस दौरान चल रहे होंगे कि अब आगे का भविष्य मेरा क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ये रास्ता जो है वो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है, इस रास्ते पर भी चर्चा करनी जरूरी है। और यहाँ पर चर्चा कई सारे चीजों को लेकर, कई सारे सवाल जो है वो युवाओं के सामने इस वक्त खड़े हैं, उन युवाओं के सवालों के जवाब सरकार को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा देश प्रदेश का सेना में जाने के लिए तैयारियां करता है, करते आ रहा है, और वो ये कहता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, और उस सेना को अब वो किस तरह से काम करेगा उसमें जाकर के, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और विक्रांत पांडे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौबे जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रेगुलर भर्ती आप लोग देने वाले थे, रेगुलर नौकरी आप लोग देने वाले थे, ये नया नियम आप लोगों ने निकाल दिया 4 साल वाला। हालांकि इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया भी गया है, काफ़ी चीज़ें ब्रीफ भी करी गई हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों की आदत है और आदत पहले 2 करोड़ नौकरी देने की थी, अब आप लोग एक नया नियम ले आए हैं 4 साल वाला। नहीं देखिए नितिन जी, ये जो योजना के बारे में लोगों को पता चला है, ये नहीं कि अचानक ये 2 दिन में या अचानक रात में कर दी गई है। इसको लेकर 2 साल से लगातार इस पर जो है चर्चा हो रही थी, इसको पूरी जानकारी लोगों से लिया जा रहा था, अन्य देशों में इस तरह की हैं तो उसके क्या लाभ है क्या हानि है उसको जानते हुए, उसको पूरी जानकारी समझते हुए इसका निर्णय हुआ है। और देखिए इस निर्णय में ऐसा नहीं है कि ये जो है तुरंत जो है 6 महीने बाद जो है इनको बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा या इनको जो है अचानक ही ऐसी जगह पर लगा दिया जाएगा जहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह उठे। हमारे जो सैनिक पूर्व में भी जो भर्ती होते हैं उनको 6 महीने बाद ही नहीं, उसकी एक सतत प्रक्रिया होती है, उसके बाद उनको किया जाता है। और इसमें भी देखिए वही है, इसमें भी 25% कहा गया है। बाकी जो अन्य लोग देखिए इनको पूरी तरह से प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, इनको चाहे वो व्यवसायिक रूप से हो या तकनीकी रूप से हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, 3 जगह से इनको कोर्स मतलब मिलेंगे जहाँ की दिया जाएगा। उसके बाद देखिए वैसे भी हमारे यहाँ सर्विस में 8 साल के बाद स्वैच्छिक होता था, अब इसमें मान के चलिए कि ये 4 साल का है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग आर्मी से रिटायर हो जाते हैं या स्वैच्छिक ले लेते हैं वो बेरोजगार ही घूमते हैं या वो जो है लूट पाठी, क्योंकि अभी विपक्ष देखिए किस तरह की भाषा बोल रहा था कि ये सब निकलेंगे तो आग लगाएंगे, ये सब ये करेंगे, दंगा करेंगे, ये मतलब जैसी इनकी मनसा खुद की रहती वैसा ये अन्य लोगों के बारे में। ज्यादातर जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं वो या तो कहीं पर गार्ड बन जाते हैं, कहीं ATM के बाहर खड़े रहते हैं, कहीं पर इस तरह की नौकरियां करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई रास्ता आप लोगों को बनाना पड़ेगा। दूसरा एक सवाल अहम ये भी है चौबे जी कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद वो जो काम करेगा तो काम के दौरान वो काफ़ी चीज़ें जो है वो आर्मी के अंदर की चीज़ें की भी चीज़ों की भी जानकारी करेगा कि कहाँ सर कहाँ से वो गुजर रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने अपना चेक पॉइंट बनाया है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उस चीज़ को जब जान लेगा और उसके बाद रिटायर होने के बाद जब वो आम व्यक्ति की तरह समाज में रहेगा तो क्या उसका नुकसान नहीं पहुँचेगा? नहीं देखिए नितिन जी, ये तो बहुत बड़ा गंभीर एक प्रकार से आपने जो है ये बहुत गंभीर आरोप आपने सैनिकों के ऊपर लगाया है, बहुत ही गंभीर। क्या जो लोग 8 साल के बाद सेवानिवृत्त होके आ जाते हैं या किसी दुर्घटना के कारण आ जाते हैं,
क्या वो लोग जो है या जो लोग 15 साल बाद या 16 साल बाद होके आते हैं तो क्या वो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं? नहीं, मैं ये क्या सुनिए, नहीं नहीं, नहीं, क्या वो अन्य लोगों के साथ मिलकर इस तरह की सूचनाएं लिख करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको उस पर कहीं ना कहीं निगरानी बनाकर रखना पड़ेगा। जी देखिए, जब ये सब प्रावधान आया है तो हर बात का प्रावधान उसमें भी होगा, उसपे सोचा गया होगा, वहां पर जो जिन लोगों ने भी निर्णय लिया होगा तो इस हर प्रकार की बातों पे उन्होंने विचार विमर्श किया होगा, उसके बाद इस प्रकार के निर्णय पे वो आए होंगे। और देखिए, आपने उनको किसी ना किसी रूप बताया, आपने ये नहीं बताया कि वो रिटायर होने के बाद शिक्षक भी हुए, वो रिटायर होने के बाद जो है जो है आईएएस अधिकारी भी हुए हैं, वो रिटायर होने के बाद जो है अन्य सरकारी विभागों में, राज्य सरकारों में या सेंट्रल विभाग के अन्य रंगों में अच्छी नौकरी भी उन्होंने की है, शिक्षक हुए हैं। मतलब अगर आप देखें तो उनकी जो योग्यता है वो योग्यता के आधार पर पुनः प्राप्त कर लेते हैं अपने, जो उनकी योग्यता है उस अनुसार वो अच्छी जगह फिर सर्विस कहीं ना कहीं वो पा ही जाते हैं। और रही बात देखिए, इसमें जब इनको जब स्किल डेवलप इनका होगा तीन प्रकार से जो हम आपको हमने बताया, तो ये कहीं ना कहीं सदुपयोग होगा। जब ये आर्मी में, मतलब जब ये जाएंगे पुलिस विभाग की भर्ती में, तो इनको सारे दौड़ सारे नियम सब कुछ इनको पता होगा। ये या अन्य में जो इन्होंने पढ़ाई उसमें की होगी, अन्य सरकारी विभागों में जाएंगे तो उनका इनको फायदा होगा। प्लस जो है, माननीय आदरणीय योगी जी ने भी कहा है, शिवराज जी ने कहा है, उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है कि ये ऐसे लोगों को हम जो है प्राथमिकता के आधार पर उनको हम जो है सेवा में, सरकारी नौकरी में इनको छूट मिलेगी। तो इसी प्रकार के सभी, जब पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जब मुख्यमंत्री या सरकारें देंगी तो उनको बिल्कुल सही मिलेगा, उनको सही, उनकी योग्यता के अनुसार उनको यथोचित स्थान मिलेगा, उनको मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, मिसम जदी हमारे साथ सपस हैं। मिसम भाई, चौबे जी ने सारे जवाब दे दिए, मुझे लग रहा है कि आप संतुष्ट हो गए हैं इनके जवाबों से। जी नितिन जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या पूरा प्रदेश और पूरा देश इनकी बातों से संतुष्ट हो चुका हूँ। संतुष्ट तो उस टाइम पर भी हो चुके थे जब रातों रात इन्होंने नोटबंदी का शिकार किया था पूरे देश को, तब भी लोग संतुष्ट थे, तब भी ये नोटबंदी के फायदे गिना रहे थे। आज ये आर्मी को भी इसमें ले आए हैं, ताकि अभी आपने बड़ा गंभीर सवाल पूछा तो इन्होंने कहा आप दो द्रोही कह रहे हैं। ये पकड़ के इतनी नाजुक दौर चलते हैं नितिन जी, कि अगर जरा सा आप चूक जाएं तो साहब पाताल में चले जाएंगे आप। नितिन जी, कहीं ठिकाना आपको मिलेगा नहीं, हिंदुस्तान में तो नहीं मिलेगा, कोई और मुल्क दे दे, शायद पाकिस्तान बुला ले, अफगानिस्तान बुला ले, इस तरह के मुल्क बुला ले, मगर हिंदुस्तान में तो आप नहीं रह पाएंगे। और ये वो कहावत को इन्होंने पूरा किया है कि ओस चाटने से प्याज बुझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, रोजगार मांग रहा था नौजवान, पकड़ा दी उसको लालीपा, आप समझ रहे हैं कि उसको चार साल के लिए। अब आप बताइए कि सबसे पहली चीज नितिन जी, नौजवान का मनोबल गिरेगा, मतलब एक नॉर्मल बात है, मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ कि चार साल आपको पत्रकारिता करने के बाद आपको बेरोजगार कर दिया जाता और ये कह के किया जाता कि आप रिटायर हो गए, तो आपके मनोबल में कहीं ना कहीं मनोचिकित्सक, आपको मनोवैज्ञानिक का सहारा लेना पड़ता कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाती कि मैं रिटायर हो गया हूँ। और रिटायर वही होता है जो किसी काम का नहीं होता, लोग कहते हैं साहब रिटायरमेंट ले लीजिए, अब आप किसी काम के नहीं हैं। और फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद भरी जवानी में, जिसको कहते हैं कि विधवा हो जाना, ये उस तरह का नियम है कि साहब भरी जवानी में आप किसी को विवाह करते हैं, किसी को विधवा करते हैं, वो कितनी भी खूबसूरत हो उसमें एक ऐब लग जाता है। तो लोगों का रिश्ता आया, मान लीजिए किसी घर में आया, कहेंगे साहब लड़का हमारा सरकारी नौकर है, कहेंगे वही चार साल वाली, चार साल बाद तो बेरोजगार हो जाएगा बेटा आपका। तो पता लगा कि एक तमगा लिए लिए टहलेगा कि साहब वो चार साल वाले बेरोजगार है, उनसे शादी नहीं करे तो रिश्ता भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो प्रयास करेगा, उसी तरह से धक्के खाएगा। और जब कोई आर्मी में देश की गौरवान्वित जगह पे जाएगा और वो देश के लिए प्रयास करेगा जीने और मरने का, और उसको वहां से जब बेइज्जत करके चार साल बाद निकाल दिया जाएगा, तो आप यकीन जानिए कि वो कहीं और भी छोटी नौकरी उस जवानी में करने में अपने आप को वो बहुत दलील महसूस करेगा। और जो नौकरी होना चाहिए, नौकरी के साथ खिलवाड़, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह के जो भी नियम हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, अब यहां पर रक्षा विशेषज्ञ जी आपने बुला रखा है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जवाब वही देंगे कि हमारे जैसे लोगों की समझ से ये परे है, क्योंकि इस तरह का कानून हमने कभी अपने देश में देखा नहीं, और बहुत से ही कानून हमने नहीं देखे, और जिसका भारतीय जनता पार्टी वो समय बदल बदल करके उस तरह से वो अपने रूप धारण करती है, जिसमें ये भी उन्होंने रूप धारण किया है। लेकिन ये मेरे कतई ये बात समझ में नहीं आती है। और एक बात और मैं कहूंगा,
कि आपने जो सिक्योरिटी ब्रीचिंग वाली बात करी, जबीच को सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है वो अपने दोस्तों में बैठेगा, युवा होता होगा, लड़कपन का साथी होगा, और वो तमाम तरह के हथियारों के बारे में उसको बयान करेगा, तमाम तरह की सिक्योरिटी। देखिए जो ये रिटायरमेंट कर रहे हैं, अभी जो इन्होंने बात कही, तो मुझे लगता है कि या तो अभी इनका मानसिक संतुलन जो है वो डेवलप नहीं हो पाया है, भारतीय जनता पार्टी की भक्त के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि इनको खुद भी दिमाग से सोचना चाहिए कि जो रिटायरमेंट होता है उसमें 40 से 50 साल की उम्र में फौजी का रिटायरमेंट होता है, तब तक के वो अपना एक तरह से मानसिक मैच्योर हो चुका होगा। हेलो नितिन जी, मेरी बात सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूं, बोलिए। और जब युवा अवस्था में जिसमें लड़कपन की उम्र होती है 20-21 साल, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आदमी को तो बस समझ लीजिए कि वैसे तो 18 साल बालिग होने के लिए होता है, वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, बट मुझे ये लगता है ये कम से कम 28 से 30 साल के बाद जो है 30 आफ्टर 30 मैं कह सकता हूँ कि वो मैच्योर में उसको आप कह सकते हो कि युवा अवस्था में पूर्णता युवा हो जाता है पूर्ण रूप से। और उसमें अगर आप 21 साल में ले रहे हैं, 17 साल की उम्र में, 21 साल में आप रिटायर कर दे रहे हैं 22 साल की उम्र में, तो वो तो किसी भी चाय की दुकान पे आपको बैठा मिलेगा। और उसमें तमाम तरह के लोग हैं, आप देख ही रहे, देश को तोड़ने और जोड़ने वाले भी लोग हैं, उसी में चाय वाला चाय बनाते बैठे 10 आदमी इकट्ठा किया होगा कि भैया का किए रहे, तो वो बताएगा ऐसन चलाए वैसन गए, यहाँ कूदत वहां कूदत, यू बंदूक यहाँ से आई वो बंदूक वहां से आई, और ये सिक्योरिटी रही उधर कह देते रहे, तो हम लोग उधर से इधर फांद आते रहे, इधर से उधर फांद आते रहे, इस तरह की बातें करेगा जिससे हमारी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ठीक है। और बाकी मेरी बात को जो है वो आप शिक्षक बैठे, और मैं चाहता हूँ कि भाई उनसे ज्यादा ज्ञान तो किसी के पास नहीं। मैं आता हूँ आपके पास। सैयद मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। सैयद भाई, आप लोग इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं, क्या ये कोई पॉजिटिव फैसला है या कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई? देखिए, सेना से जुड़ा मामला बहुत ही संवेदनशील मामला होता है, और कुछ सरकारों में इस तरह के प्रावधान है, इसराइल में भी है, रशिया में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी इस तरह के प्रावधान है, वहीं से कि लोगों को 2 साल के लिए रखा गया और फिर उसको वहाँ से उनको वो रिजर्व आर्मी की तरह हो जाते हैं बाद में। लेकिन ये वो देश बहुत छोटे देश हैं, और वो देश ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वॉर में रहते हैं हमेशा। एक बात और भी इनको बताते चलिए कि हमारे देश में बेरोजगारी और सत्तारी बहुत है, चौराहे चौराहे, छोटे देशों में इस तरह से बेरोजगारी और बेकारी नहीं है। ठीक सर, मैं वही आ रहा हूँ कि उस देशों की पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, और उन देशों वो देश हमेशा ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वॉर रहते हैं। उनका मतलब इसराइल जो है वो हमेशा लड़ाई में रहता है, वहाँ पे घर कम बंकर ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया भी अपने पड़ोसियों से हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है, और वहाँ की आबादी बहुत कम है, यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी युवा जो है आर्मी का अपना अलग शौर है, मेरी भी तमन्ना थी, आपकी भी तमन्ना होगी, हर आदमी जो है बचपन में एक सपना देखता है IAS पीसीस बनने का या आर्मी में जाने का। हमें खेद है कि हम इस लायक नहीं थे कि आर्मी में जुड़ पाएँ, और हमारे बहुत से परिवार के लोग, हमारे बहुत से मित्र आर्मी में NDA में गए, और उन्होंने वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, वहाँ उनको देख के हम लोग, उनके लाइफ स्टाइल को देख के हम लोग देखते हैं किस तरह से, किस शौर्य के साथ, किस सम्मान के साथ, किस एक अलग क्लास है आर्मी का। आर्मी को आप किसी से कंपेयरिंग नॉन कंपेरेटिव, यू कैन नॉट कंपेयर आर्मी विद इवन IAS PCS, वो अलग क्लास अपार्ट है। उस शौर्य को जो है ये छिनबिन करने की एक तरह से मुझे लगता है कोशिश हो रही है, और 4 साल के लिए आप क्यों उनको रख रहे हैं, 4 साल के बाद वो बेचारे क्या करेंगे? और सरकार की जिम्मेदारी है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, सरकार की जिम्मेदारी कि युवाओं को वो इज्जत के साथ रोजगार प्रदान करने के अवसर उपलब्ध करें। और आर्मी में अगर आपको लोगों को रखना है तो आप उसको लगातार रखिए, ये संवेदना एक तरह से संवेदना पे आपने कर्मियों को ऐसे रखते हैं, उस तरह संवेदना पे आप आर्मी में लोगों को रख रहे हैं। आप 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको इम्पोर्टेंट संवेदनशील पोस्ट पर रखा जाएगा। अगर वो अनुभवहीनता के चक्कर में या प्रॉपर ट्रेनिंग के चक्कर में वहाँ कोई ऐसा स्टेप उठा लेता है जिससे देश की बदनामी होती है और लोगों की जान खतरे में आ जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात, वो जब 4 साल के बाद जब सेवानियुक्त होगा तो वो क्या इस लायक रहेगा किसी और जगह पे नौकरी कर पाएगा उसी सम्मान के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी लगन के साथ जिस तरह से वो आर्मी में था? उसका मोटिवेशनल लेवल क्या वही रहेगा? उसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या वही रहेगा? उसका सोशल जस्टिस क्या वही रहेगा जब वो आर्मी से निकल के बाहर आएगा जॉब करने के लिए? ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको बहुत संवेदनशीलता के साथ जज करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। और 4 साल तो आर्मी के लिए बहुत छोटा, 4 साल तो लग जाते हैं लोगों को आर्मी के कल्चर को अडॉप्ट करने में, आर्मी को उस डिसिप्लिन में आने में, सीखने में।
उसके बाद उसको पूरी लाइफ उनकी वो डिसिप्लिन चलती है, पूरी लाइफ रहते हैं। हमने देखा है बहुत से लोगों को जो मेरे परिवार में आर्मी में है, उनका स्टाइल जो पूरी लाइफ चलता है। चार साल में आप उसको क्या सिखा देंगे? चार साल बहुत छोटा शॉर्ट पीरियड है, एक छः महीने चले जाएगा उसका ट्रेनिंग में, साढ़े तीन साल की वो सर्विस करेगा, और तीन साल की सर्विस से पहले ही जो है वो छः महीने पहले उसको सोचना पड़ेगा कि अब मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर मुझे आर्मी ने इंडिया तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा। दूसरी, ये जो व्यवस्था बनाई गई है सैनिकों के लिए बनाई गई है, जो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत छोटा है, मेरे ख्याल में ऑफिसर्स के लिए नहीं बनाई गई है। तो अगर आदमी, एक व्यक्ति जो है वो इंटर के बाद आर्मी में जाता है और ग्रेजुएशन नहीं किया उसने, और आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तो उसको फिर से वो चार साल के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर से वो आर्मी के ऑफिसर के लिए अप्लाई करेगा। तो इस तरह की बातों का कोई सही जवाब नहीं है। ठीक है जो हमें समझना पड़ेगा। और इस तरह से हम बहुत बहुत बड़े नंबर में जो युवा जो हैं उनको जल्दी सैनिक बना के उनके जो प्रतिभा है उनके भविष्य को कहीं से ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वो ऑफिसर ही बन सकते हैं, वो एयरफोर्स पायलट ही बन सकते हैं, वो यहाँ पे आपने उनको सैनिक बनाया 4 लाख को, उसके बाद वो फिर वो ऑफिसर कैसे बनेंगे, आर्मी में कैसे ऊपर जाएंगे, क्या वो सैनिक ही तो नहीं रह जाएंगे? ये भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनका सवाल सरकार को देना पड़ेगा और जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। ठीक है अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से। अमित भाई, ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, कितना सही है, क्या कुछ कमी है? देखिए नितिन जी, एक बात मैं स्पष्ट करूं जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में सत्ता में आई, चाहे जिन भी राज्यों में ये सत्ता के अंदर है, इन्होंने पूरी तरह से इस देश को और अपने अपने स्टेट को एक्सपेरिमेंट का हब बना दिया है। हर मामले में एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, और इतना इस एक्सपेरिमेंट का दुष्परिणाम इतना भयानक होने वाला है कि उसकी कल्पना शायद हम आप न कर पाए, भविष्य में वो दिखेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 4 साल के लिए सेना में भर्ती का ये जो अभियान अग्निवीर के नाम से अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है, आप जरा इनका कांसेप्ट समझिए। और सवाल इस देश के लोगों को सवाल इस सरकार से करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई जिसमें 140 करोड़ के इस देश में नौजवानों को 4 साल के लिए रोजगार दिया जाएगा सेना में? ये बड़ा सवाल है, मजबूरी क्या है इस देश की? इस देश के शासन सत्ता को क्या मजबूरी आ गई कि महज 4 साल के लिए वो सेना में भेजना चाहते हैं नौजवानों को? और 17.5 साल की उम्र में इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है कि 17.5 साल से लेके और 21 साल तक की उम्र के बीच के लोगों को रखेंगे, अगर 17.5 साल में एक नौजवान आर्मी में सैनिक बन के जाता है और 21 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा, उसके साथ 2-3 परिस्थितियां बड़ी भयानक उत्पन्न होंगी। पहला तो जो बेरोजगार था उसको रोजगार मिला और चंद 4 सालों के अंदर ही वो अपने आप को फिर रोजगार बेरोजगार महसूस करेगा, हालांकि सरकार करी कि उनको कहीं और समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि एक्सपेरिमेंट सेना में क्यों? अगर समायोजित करना है तो देश में तमाम सारे सेक्टर है, वहां 4 साल 8 साल 10 साल के लिए आप कर लीजिए और दूसरे संस्थानों में उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर लीजिए। सेना के साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट इस देश के लिए भयानक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आप देखे होंगे तमाम देश में ऐसे सेक्टर हैं जहां परमानेंट नौकरी के साथ साथ संविदा कर्मी भी हैं, और उन संविदा कर्मियों को जो आज की सच्चाई है, संविदा कर्मियों को बड़े ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। सेना में जब वही सैनिक जो परमानेंट है और जब कोई 4 साल के लिए नियुक्त होता है तो कहीं ना कहीं से 4 साल की जो उसका सेवा काल होगा वह हीन भावना में ही खत्म करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला है, और आप मात्र महज 4 सालों में रोजगार के नाम से लोगों को सेना में भर्ती कराएंगे और 80% बाहर हो जाएंगे और 20% को शायद मौका मिल जाए, तो आप समझिए कि 100% को सरकार ने योग्य माना और सेना में भर्ती कर लिया, और 4 साल बाद उसी में से 80% को ये अयोग्य मान लेंगे और उनको सेना से बाहर कर देंगे। 75% मैं जहां तक जान रहा था 80, मैं आपकी बात से सहमत हो लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, 75% तो 75% को इन्होंने बिल्कुल अयोग्य मान लिया। जब इन्होंने भर्ती करी तो 100% योग्य थे, और अब वही 4 साल सेवा करने के बाद बेचारा जब नौजवान बाहर आ जाएगा उसके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा, आप जब उसको बाहर करेंगे तो कहीं ना कहीं से अयोग्य साबित करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है, 2017 में CAG ने एक रिपोर्ट जारी करी जिस समय चीन और भारत की सेना डोकलाम सीमा पे थी, उस टाइम आपने देखा होगा CAG ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, और उस रिपोर्ट में CAG ने बड़े गंभीर सवाल उठाए थे। IL-76 जो एक एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट का,
उसके रखरखाव के साथ साथ जो हमारे अन्य लड़ाकू विमान है 1960 से MiG-21 विमान हमारी सेवा में है और वो भी पुराने और खस्ताहाल में आए साल उसकी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेना में मजबूत करने की जरूरत है, आप देश की सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। अभी आपने देखा किस तरह से तेज बहादुर यादव ने जब मोदी मंत्रिमंडल का जो पहला सरकार था और लोकसभा का इलेक्शन 2014 में सॉरी 2014 अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तेज बहादुर यादव जिसने खाने के ऊपर सवाल उठाया था, पतली दाल और ये चावल इस तरह का सवाल, जो मूलभूत जो सुविधाएं सैनिकों को सीधे मिलनी चाहिए वो नदारद है। तो जो जो देश की हमारी सेना है उसको सशक्त करने की कड़ी में हम नहीं जा रहे हैं, हम रोजगार का एक डाटा देश के सामने रखने के प्रयास में जा रहे हैं जो निहायत ही गलत है। साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूंगा जल्दी से कि हाँ जी जी कहीं ना कहीं से जैसे इन्होंने स्कीम रखा है लगभग 30,000 से लेके और 40-45,000 तक सैलरी होगी, मरणोपरांत या शहीद होने पे 1 करोड़। अरे भाई इस 4 साल की सेवा बिल्कुल मतलब ये आप कह दूं कि भर्ती होने के बाद लोग हीन ही महसूस करेंगे, इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए और लंबे समय तक। आखिर हमारे यहाँ नौजवानों की कमी कहाँ है? आप सीकर से और झुंझुनू से नौजवान 350 किलोमीटर दौड़ के आता है इस सरकार को जगाने के लिए कि देखो हम कितने हट्टे कट्टे हैं, 350 किलोमीटर की दूरी। उस जो नौजवान था सुरेश भिंचर, उसने 50 घंटे में सीकर से दिल्ली का रास्ता तय किया, उसने बताया अपने हिंदुस्तान की माटी की ताकत को बताया। ठीक है अमित भाई, क्या आप उसे 4 साल के लिए सेना में रखेंगे? ठीक है, मैं आता हूं। ये बड़े सवाल है जिसको इस देश की जनता मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब सरकार को देना होगा। ठीक है, विक्रांत पांडे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। विक्रांत जी, ये जो फैसला लिया गया है, क्योंकि आपके आसपास तो कई सारे युवा होंगे जो आर्मी या फिर अलग अलग सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, वो इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं, आप इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं, क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता था और बेहतर हो सकता था, या ये जो फैसला आया है ये फैसला बहुत सही? ये जो सेना नियम में बदलाव करके नया नियम लागू किया गया है, जल थल एवं वायु सेना तीनों में इस नए नियम के अनुसार भर्ती की योजना बनाई गई है। यह योजना कई देशों के भर्ती के सिस्टम को एनालिसिस करने के बाद ही हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ओर से इसको विकसित किया गया है। और जो डिसीजन मेकिंग टीम का अंग था, उन्होंने तमाम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया, जिससे होने वाले फायदे के बारे में मैं जल्द आपको बताने वाला हूँ। हमारे देश की जो अभी आज की तारीख में बटालियन की स्थिति है, औसत एज 35 से 36 वर्ष है, लेकिन आने वाले 4 साल बाद सीओडी के तहत जो जवान भर्ती होंगे एक यंग एज ग्रुप बन जाएगा जो कि 25 से 26 वर्ष के बीच का होगा। इससे जैसे 17.5 से 21 साल तक के लड़के अग्निपथ में भर्ती होकर के अग्निवीर कहे जाएंगे और 4 साल बाद जब 75% युवा इससे बाहर आएंगे, 25% रेगुलर आर्मी में कंटिन्यू किए जाएंगे। ये जो 75% बाहर आएंगे इनको रोजगार देने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इनको जो है सीएचपीएफ बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएसी जिला पुलिस से संपर्क करके साथ ही साथ अन्य विभागों में भी इनको वहाँ मर्ज किया जाएगा, भेजा जाएगा। अच्छा, इससे हर विभाग में एक अनुशासित और जो है टीम प्रस्तुत होगी मिलेगी। यहाँ दिक्कत हो सकता है इस बात की आ जाए, जो सिविल कल्चर आज की तारीख में फैला हुआ है वो है सेना के कल्चर को कितना अडाप्ट कर पाते हैं, देखने में दिलचस्प होगा क्योंकि वो बताएगा। और ये सरकार का फैसला जो है स्वागत योग्य है मेरे हिसाब से, और इससे जो है अच्छा ये भी सवाल था, ये भी सवाल चल रहा था कि 4 साल का जो पीरियड है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कम है, अगर ये 7 साल या 8 साल का होता तो शायद जो आर्मी का कल्चर है या आर्मी की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उसको और बेहतर तरीके से जो भी अभ्यर्थी है या जो भी उसमें काम कर रहा है उसको अच्छे से मोबिलाइज कर सकता था। असल में इससे पहले जो 4-6 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल सर्विस की अपने यहाँ ट्रेडिशन चल रही है जिसको स्टार सर्विस कमीशन कहते हैं, एसएस कमीशन के तहत में जो है युवा जो भर्ती किए जाते हैं सेना में 10 साल सर्विस करने के बाद वे बाहर आते हैं और उनसे भी 10 साल बाद पूछा जाता है क्या आप विभाग में कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा। जो रेडी होते हैं वो रेगुलर आर्मी में जाते हैं, बाकी बाहर आ जाते हैं। हाँ। ये चीजें हैं जी। और
आप इस बात को समझिए, जो लड़का चार साल की सर्विस करने के बाद सिविल डिपार्टमेंट में विभिन्न विभागों में जब वो जॉब पाएगा तो वह उस विभाग के कल्चर को भी चेंज कर देगा। अच्छा। और ये कल्चर हर जगह व्याप्त होने लगेगा। अच्छा। और इससे हमारे देश की जो है जो डिपार्टमेंट तमाम बने हुए हैं इसमें एक नवीन युवा संसाधन प्रस्तुत होंगे, लेकिन एक बेरोजगारी का आलम भी व्याप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो लंबे चौड़े युवा जो सेना से चार साल बाद के बाद सिविल डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, जो सिविल में छोटे कद के लोग हैं जिनका शारीरिक सौष्ठव उस तरीके का नहीं है, ये बेरोजगारी का शिकार होंगे। ठीक, तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। चौबे जी, नितिन जी, जी आप देखिए 2014 के बाद जी जो ये राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से भ्रम में है, और वही भ्रम जो है वो जनता में या देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, एक योजना आप बता दीजिए जो 2014 के बाद आई हो और इनको वो अच्छी लगी हो, ये इन्होंने उसकी प्रशंसा की हो। और तो और सुनिए, इन्होंने सेना को तो छोड़ा नहीं, सरकार को छोड़िए, इन्होंने आपको याद होगा जब सेना ने बालाकोट में एयरक्राफ्ट किया था और जब हमारी सेना जो है पाकिस्तान के अंदर गई थी तो इन लोगों ने क्या कहा था, इन लोगों ने कहा था कि घास फूस उखाड़ा, वहां किसी को नहीं मारा। और देखिए पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के उसकी संसद में कहा जा रहा था कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने हम लोग को मार दिया, भारत फिर हम लोग को मारेगा। लेकिन ये सब जानते क्या है? ये सब हंसी उड़ा रहे थे, ये सब हंसी उड़ा रहे थे। सेना को लोगों को इन लोगों ने किस तरह का गली का क्या क्या बोला था ये कहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कितने लोगों ने सबूत मांगे थे। तो देखिए इनकी बातों से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता पूर्ण रूपेण से उनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पूर्ण रूपेण विश्वास है। अब देखिए, हमने आपसे कहा था ना कि लोग भ्रम कैसे फैलाते हैं। अभी हमारे तकी भाई थे आम आदमी पार्टी के भाई ने क्या कहा कि भाई इजराइल की तो हमेशा उसको सुरक्षा करनी पड़ती है, उसके अगल बगल ये है, वो हमेशा युद्ध के उसमें रहता है। तो ये बताइए क्या हम लोग सुरक्षित हैं? क्या हमारे हमारे जो पड़ोस में पाकिस्तान और चाइना, क्या ये किसी से छिपा है या किसी से ढका है कि ये लगातार रात दिन कुछ ना कुछ कुचक्र किया करते हैं, कुचक्र लगातार किया करते हैं, लगातार वो भारत में चाहे वो आतंकवाद के रूप में अथवा वो जमीन हड़पने की कोशिश के रूप में लगातार ये प्रयास किए रहते हैं वो। दूसरी बात, हमारे भाई देखिए किस तरह और दूसरे कैसे भ्रमित कर रहे हैं कि ये सब जाएंगे बाहर तो चाय की दुकान खुलेंगे और चाय के उसमें मजमा लगाएंगे। मतलब देखिए ये वीर, हम इनको अग्निवीर बोल रहे हैं और ये उनका किस प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं। वो क्या इनको ये जानकारी नहीं है? या तो ये समाज में बाहर निकलते नहीं है, या तो ये किसी सरकारी विभाग में जाते नहीं है, वहां पर योग अफसरों को ये देखते नहीं है। इनको ये नहीं पता कि आईएएस भी बने हैं, इनको ये नहीं पता कि सचिवालय में जो अच्छे रैंक पर लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि आर्मी से रिटायर हुए लोग या जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा लिया है वो शिक्षक भी हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक भी हैं। लेकिन आप देखिए इनका भ्रम किस प्रकार से ये भ्रम फैला रहे हैं, ये खुद भ्रम में है और इसीलिए जनता इनको जो है हर चुनाव में इनको जवाब दे रही है। और देखिए हमारे कांग्रेस के भाई देखिए किस वो अभी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा, मैं आऊंगा उनके पास। मैं अच्छा पहले ले लेता हूँ, फिर आता हूँ। ठीक, फिर मैं आता हूँ। उनका भ्रम सुना दीजिए, फिर कितने बड़े भ्रम में है जरा सुनवा दीजिए। अमित भाई बोलिए। एक बात बड़ा स्पष्ट है, हमारे भाजपा के साथी को चाहिए ये किसी हाथ से कभी सम्मेलन में बैठा करे। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? मुझे लगता है कि ये जगह उनके लिए उचित नहीं। इनके लिए श्रेष्ठ जगह जो है ये हाथ से कभी सम्मेलन का मंच हो सकता है। ये ऐसी कौन सी ऐसी बात कह दी कि आपको हंसी आ गई? आप अपमान करो सेना का तो आप सम्मान बढ़ा रहे हो, आप बड़े गंभीर बात कर रहे हो। हम उनके पक्ष में बोले तो हम हाथ से। चंद्रमोहन चौबे जी कभी बार दो मिनट मेरी बात सुनते हैं। आप हाथ से कभी हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं,
सवाल इस बात का है कि नितिन जी, देश की सेना पहली बार स्ट्राइक नहीं करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार के आसपास हुआ है, लेकिन सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, चुनाव में लाभ लेने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह का गंदा खेल खेला, और 2019 के इलेक्शन में इनके मंचों पे आपने देखा होगा, शहीदों की तस्वीर लगा के, एयर स्ट्राइक की तस्वीर लगा के, बैकग्राउंड में तस्वीर लगा के पूरे चुनाव प्रचार में ये लोग चलते रहे। मैं बात कर रहा हूँ मूलभूत सुविधाओं से, अगर सेना मरूम है पहले तो आप उसको मजबूत करो, और अगर भर्ती कर रहे हो चलो अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ उस मंच से, लेकिन ये चार साल का स्कीम क्या होता है? चार साल में तो कल्चर नहीं समझ पाएंगे लोग। अगर आपको सही में उनका, वो नौजवानों का लाभ लेना है तो उनको नियमित रूप से लंबे सेवा काल के लिए आपको उसमें भर्ती करिए, और इस तरह से आप हास्य कवि सम्मेलन में हास्य कलाकारों की तरह भाव भंगिमा बना के बोलते रहेंगे। ठीक है, आपने सरकार झूठ और फरेब के बल पे बना दी है, 2 करोड़ का रोजगार देने का नाटक करने वाले लोग आज 10 लाख पे आ गए हैं, वो अभी 10 लाख पूरा होगा नहीं होगा, ठीक है, जवाब लेते हैं, जाने वाले जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, चौबे जी जल्दी से। हम सच बोले तो हम हास्य कवि, और ये जो है ये आलू के मशीन से सोना निकाले तो ये जो है बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए सिकंजी से जो है पेप्सी कोका कोला बनाए और ये संसद में आंख मारे और जाकर जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाए तो ये क्या है? ये बड़े गंभीर है। आप देखिए, अरे अरे भाई, अरे भाई सुनिए, अरे अमित भाई, आप सुनिए अमित भाई, मैं जानता हूँ, आप जानता हूं कि आपको भी वो जो है संसद में और ये जो बयान आलू से सोना वाला बुरा लगा होगा, मैं जानता हूं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आप हमारे मित्र हैं, आप मैं जानता हूं आपको, लेकिन चलिए आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, नहीं अरे अमित जी आप, अरे आप नहीं तो नहीं, अरे नहीं चलिए सुन लीजिए, राहुल जी ने क्या कहा? अमित जी ओहो, अच्छा मुद्दे पे रहिए भाई, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, लोकतंत्र को जीवित रखिए, हमने आपकी बात सुनी अमित जी, हमारी बात भी सुनिए अमित जी, ये तो हमारा शीर्ष नेता, ठीक है अमित भाई प्लीज सुन लीजिए, अमित भाई सुन लीजिए, चौबे जी मुद्दे पे बोलिए, अमित जी अमित, अरे हम मुद्दे पे तो बोल रहे हैं, हम कहां बेमुद्दा जा रहे हैं, क्या बयान बयान निकालना है, नहीं बयान क्या, इन्होंने हमको हास्य कवि बना दिया और अब अपने नेता को गंभीर बना दिया, तो हम जवाब तो देंगे ना, जनता देख रही है, जनता जाने तो। और रही बात, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सेना में जो है इसमें समान जो है सुरक्षा का होना चाहिए, ये भूल गए कि दलाली के चक्कर में बफोर्स तोप को जो है, ये दलाली नहीं मिली तो बफोर्स तोप नहीं आया, इन्होंने सीमा के सड़क पर आपको पता है हम लोग 5 घंटे जाने पर लगने पड़ते थे, रुक जाइए, अरे सर सुन लीजिए, सिर्फ आरोप लगाएंगे और जवाब नहीं सुनेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र है, ये कांग्रेस नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे, सुनिए लोकतंत्र है, अरे ये प्राइम टीवी लोकतंत्र का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है, सबको रखने का अधिकार है, का ज्ञान नहीं है, और ओहो चले आते हैं, अरे अरे फिर मेरा जवाब सुनिए, ये बताइए कि सीमा पर पहुंचने में सैनिकों को कितना समय लगता था, सीमा पर नए पुल जो है छोटे बड़े कितने बने, आपको जानकारी है? 8,000 से अधिक पुल बने हैं, आज हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, ये है आज आज सेनाओं को सुसज्जित किया गया है, उनको हथियारों से उनको लैस किया गया है, उनको प्रशिक्षण दिया गया है, और आप आ रहे हैं सुरक्षा की बात करने, अरे आपने जो है, ठीक है आपने जो है टिप्पण दे दिया, ठीक है प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है चौबे जी, ठीक है चौबे जी, आ गई बात, आ गई चौबे जी बात आ गई, हाँ सैयद तक कुछ कहना चाहते हैं, अमित भाई आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ, अमित भाई आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए, एक मिनट नितिन जी, एक मिनट, ठीक है जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोल लीजिए चंद्रमोहन जी, और मेरे इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आइंदा चैनलों पे बैठ के इस तरह का बकवास मत करिएगा, बोफोर्स मामले में इस देश की सरकार, इस देश की कोर्ट, यहाँ की CBI सबने क्लीन चिट दिया था, सबने क्लीन चिट दिया, और उसी बोफोर्स से आपने कारगिल जीता है, हमने कफन नहीं बेचा है, कफन चुरा के हमने ताबूत नहीं बेचा है,
आप लोग इस तरह के निकृष्ट काम करने वाले दल से आते हैं, आगे से आप ये बताइए कोर्ट में जाकर चौकीदार चोर का नारा लगाया था, कोर्ट में जाकर दो दो बार माफी किसने मांगा था? झूठ बोलने के लिए थैंक यू, आप लोग का हो गया भाई, ठीक है प्लीज जावेद जी, जावेद भाई प्लीज प्लीज, ये पूरा देश जानता है। ताकि कुछ कहना चाह रहे हैं सईद भाई, देखिए कल कबीरदास संत कबीरदास की जयंती थी, उनका बड़ा अच्छा दोहा है, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नहाए गंगा घूमती रहे बैल के बैल। तो ये क्या बात हुई, तो ये उनका बड़ा अच्छा एक दोहा है कि सब कुछ करने के बाद भी आदमी जो है वो बैल है, कबीरदास जी ने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम कर रही है, उस तरह से लग रहा है वो बैल बुद्धि से काम कर रही है, क्योंकि बुलडोजर जो है बैल बुद्धि की कई प्रतीक बन गया है, पूरे प्रदेश के अंदर से चल रहा है और हर मामले में भारतीय जनता पार्टी बैल बुद्धि का प्रतीक दे रही है। कम से कम सेना के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर इतना दखलंदाजी नहीं करना चाहिए था। सेना को सत्ता मिली हुई, सत्ता का अधिकार है, ये इनको ये जो है इस तरह की हरकतें बिल्कुल बैल बुद्धि का प्रतीक है। बुलडोजर का मतलब क्या है, बुल बने बैल, डोजर बने बुद्धि, बैल बुद्धि का आप किसी के मकान के ऊपर बैल चढ़ा रहे हैं, बैल बुद्धि के यूज कर रहे हैं, अब बुल्डो चल रहा है। पंजाब के अंदर जो हुआ गृह मंत्रालय का था, वहां में गृह मंत्रालय का था, आपके नेता बहुत जेल गए, आप लोगों ने मांगे प्लीज, ठीक है।
मुझे अपनी बात कहना थी, मुझे अभी न्यूज 18 पर भी डिबेट करना था नितिन जी, मगर प्राइम टीवी से मेरा ये एक दिली रिश्ता है तो मैं पहले आपके पास बैठ गया। नितिन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी तकी जी ने कोई दोहा पढ़ा था, तो उस पे ये इतना झगड़ा क्यों हो गया? ये पाकिस्तान के थे, हिंदुस्तान के थे, ये जो कवि थे, इनका क्या आप था? उस दोहे का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो दोहा उनका था, उन्होंने पढ़ दिया। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, दोहे में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? पढ़ने के बाद जो ये दोहा पढ़ने के बाद जो झगड़ा शुरू हो गया इतना, तो मुझे लगता है बीजेपी को मिर्चा क्यों लगी? ये बैल वाला मामला क्या रिश्ता है इनका बैल से और गधे से? इतना आपा खो दिया इन्होंने। एक दोहे तो सुनाया था उन्होंने, वो भी हिंदुस्तान के आदमी का था, पाकिस्तान का तो था नहीं, तो इनको मिर्ची क्यों लग गई? हमें नहीं बुरा लगा, आम आदमी पार्टी के हैं, तकी जी हमारी पार्टी के भी नहीं है, कांग्रेस भी बैठी है, बुरा नहीं लगा, जबकि ये कांग्रेस को हरा करके पंजाब में आए हैं। आपके रक्षा विशेषज्ञ जी बैठे, उन्हें भी नहीं बुरा लगा, आपको भी नहीं बुरा लगा, तो कहीं ना कहीं इनकी जो अकल है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि घुटने में चली गई। अब तलक के सारी बातें ठीक है, इनका कोई भी कानून को सोचना चाहिए कि इनका कोई भी कानून, इनका कोई भी नियम वो आज तलक नहीं रहा कि जिसपे इन्होंने माफी ना मांगी। हर कानून नियम बनाने के बाद इन्होंने माफी मांगी, वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसानों का मामला हो, या देश से जुड़ा मामला हो, वो कहीं पर भी हो, तो इनको आखिरी में मुंह भी खाना पड़ी। मेरा कहने का मतलब यह है और सारी पार्टियों का कि एक बार विचार विमर्श करके कोई भी कानून बनाने से पहले उसके ऊपर पहले बहुत जमीनी अध्ययन कर लेना चाहिए, तब कोई कानून जमीन पर उतारना चाहिए। और रही बात एक हमारी फौज एक ऐसा हिस्सा है, हमारी जो सेना है वो एक ऐसा सेंसिटिव चीज है कि जिसके ऊपर कोई भी कानून बनाने से पहले मुझे लगता है सोचना चाहिए। और इसके साथ ही कि मैं आपसे आज्ञा लेता हूं कि मुझे न्यूज़ 18 पर कॉल आ रहा है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक। हां, चौबे जी, चौबे जी जवाब दीजिए। कितने सेंसिटिव विषय पर, उस विषय को किस प्रकार से जो है मोड़ दिया गया, क्योंकि पता है हमने आपसे क्या कहा कि इन्होंने जो है जीएसटी पे सवाल उठाया, कोई ऐसा नहीं जिस पे इन्होंने, एक बता दीजिए जिस पे इन्होंने सवाल ना उठाया। जीएसटी पे उठाया था, जीएसटी आज लाभ, जिसको इन्होंने कहा था हंसी उड़ाई थी, आज जीएसटी लाभ कर रही, कमा भी रही है लोगों को, उससे जो है आर्थिक आ रहा है और उसको जो है आर्थिक विकास में लग रहा है, देश के आर्थिक विकास में लग रहा है। और जीएसटी पे विरोध कौन किया था इस देश में सबसे पहले, यही नहीं बताया? अरे तो सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, अरे तो आपने जो है उसके संशोधन के साथ आए, आप पूरे भट्टा भ्रष्टाचार में आकर जो डुबा रहे थे जो जीएसटी को, आपको संशोधन करके, ये जानकारी आपको नहीं है शायद कि उसमें संशोधन किया गया, आपका समय कुछ और था उसमें, हमारे और लगातार जब जब लोगों ने सुझाव दिया, हम एक फरमान नहीं सुनाते हैं कि 25 जून 1975 को हमने आपातकाल लगा दिया तो आपातकाल लगा दिया। सामने घुटने की बात करी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, आप लोगों का है, सुन लीजिए, हम 25 जून 1975 की तरह, देखिए हमारी सरकार 25 जून 1975 की तरह नहीं करती है कि जो है एक ही बार आपातकाल लगा दिया तो लगा दिया। ठीक है अमित भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है अमित भाई, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में वादा करती है, जमीन पे आके वो चीजें नहीं होती। थोड़ा जल्दी से पांच जी के पास, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है परसों की, लखनऊ शहर में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए हैं, लखनऊ शहर में एक दिन के अंदर 551 बार लाइट गई है और ये 22 दिनों से हो रहा है। लाइट पर चर्चा करेंगे किसी, नहीं ये आप बताइए, ये जो आज जो सेना पे चर्चा कर रहे हैं, 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, ये जो भी योजनाएं कर देते हैं लॉन्ग टर्म में, उसको देश से नुकसान ही होता है, देश को उससे फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, आइए बताएं कौन सी ऐसी योजना से देश को फायदा होगा? जीएसटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी तो घर में जा रही है, इकोनॉमी रिकवरी कहां कर रही है? ठीक है, आप पुराने उससे चर्चा नहीं हो रही, प्लीज मैं आऊंगा। चौबे जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं चलूंगा विक्रांत पांडे जी के पास और क्लोजिंग करेंगे। नहीं, वही हमने कहा आपसे कि आप देख लीजिए कोई भी एक योजना जिनका इन्होंने समर्थन किया, अरे कोई एक योजना अभी कामयाब हुई हो तो मैं समर्थन करने को तैयार हूँ। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं वो कामयाब हो,
देश के लोगों को सम्मान मिले, उनको सुविधाएं मिले, सुविधाएं उनके अच्छे अच्छा इलाज और अच्छी एजुकेशन मिले, हम ये चाहते हैं। मिल कहां रहा है इस तरह बीच में आता जाएगा। आप जो भी कह रहे हैं हम दे रहे हैं, बाबा घटिया है ये जो है उपद्रवी लोग हैं, ये लोग जो है उपद्रव करते हैं, इन लोगों को शांति में विश्वास ही नहीं, जवाब देने को आप उद्धव मानते हैं, में रहते नहीं है। अरे शांति से आप सही देख लीजिए, अब देख लीजिए आप कभी किस प्रकार की भाषा, कभी किस प्रकार की भाषा बीच में बोलो तो लोकतंत्र को खत्म कर दो, बोलने न दो, लगातार इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। आप बता दें, आपको आप बताइए ना कि पंजाब में इनकी सरकार आते ही वहाँ आतंकवाद फिर चंद्रमोहन चौबे जी वहाँ पर पंजाब पाकिस्तान से लगी स्टेट है, गृह मंत्रालय आपका उसमें आता है, शुरू की जा रही है और इस योजना से युवाओं को लाभ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये लाभ नहीं पहुंचने वाला। बिल्कुल सीमान, मैं बहुत ही कम शब्दों में इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। देश की सेना के कहां मिलने जो भी निर्णय लिया जाता है कि एक से कितना निर्णय नहीं होता है, रक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से चीजों को एनालिसिस करके देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किसी भी निर्णय को लेकर के उसको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रचारित प्रसारित करके उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। जी। अब इस सरकार के द्वारा जो कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार है का निर्णय स्वागत योग्य है, इसका जो दीर्घ परिणाम होगा आने वाले दिनों में सफल होगा, और मैं भरोसा देना चाहता हूँ इस बात का कि ये टूल ऑफ ड्यूटी सर्विस देश की सेना में जन ब्लड 25 से 26 साल के बीच की जो औसत आयु वर्ग होगी एक बटालियन में, ये बहुत ही दिलचस्प होगी। बहुत ही एक जामबाजों का टीम इकट्ठा होगा आने वाले 4 साल बाद, और वहां से जो 75% युवा वर्ग निकल कर बाहर आएंगे जो सिविल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, इससे सिविल डिपार्टमेंट की भी छवि सुधरेगी। और मैं इस बात को बताना चाहूंगा, ये जो है देश के लिए सुखद और अच्छा निर्णय है। ठीक है, ठीक, ठीक, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो सरकार की तरफ से एक बहुत अहम फैसला लिया गया है, इस फैसले के कई अगर नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ये कि अगर लगातार इसमें रोटेशन होता रहेगा, रोटेशन पॉलिसी लगी रहेगी, तो जो यूथ है और जो युवा शक्ति है, जो उनका ताज़ा तरीन दिमाग है, उसका भी जो इस्तेमाल है वो सेना में लगातार होता रहेगा, और जो पावर है जो सेनाओं की हमारी, वो भी उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी कई हैं। फिलहाल अब इस नियम को शुरू होने दीजिए, भर्तियाँ होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस नियम के तहत जो भर्तियाँ हो रही हैं, जिन युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, वो आखिर सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।